हेलो फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। आज हम बात करेंगे रोज़ प्लांट में फर्टिलाइज़र के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें हम आज कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। आज इसमें हम आप सबके घरों में जो चाय बनती है उससे जो चाय पत्ती बच जाती है, जो अक्सर हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, आज उसको हम यूज़ करके फर्टिलाइज़र बनाएंगे। चाय पत्ती को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि उसमें से दूध और चीनी का अंश निकल जाए, नहीं तो वह आपके प्लांट में फंगस भी ला सकता है। इस तरह से धुल लेनी, धो के सुखा लेना चाहिए और फिर उसे एक गिलास पानी में ऐसे डालकर घोल के रख दें इसको 24 घंटे के लिए, जो हम पहले से बना कर रखे हैं। और वो इस तरह से दिखेगा, देखिए इसका कलर ऐसे दिखेगा। फिर इसको हम आधा लीटर पानी में डाइल्यूट कर देंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले प्लांट में थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी चाहिए ताकि फर्टिलाइज़र रूट तक जा सके। इस तरह से थोड़ी सी गुड़ाई कर लें किसी भी चीज़ से। और प्लांट के हिसाब से, छोटा है बड़ा, उसके हिसाब से हम उसमें ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दें। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो प्लांट की ग्रोथ हेल्थ के लिए और फ्लावर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नाइट्रोजन इसमें ग्रीनरी लाता है, देखिए पत्ते कितने ग्रीन रहते हैं। और फास्फोरस इसमें अच्छे फ्लावर के लिए, जो प्लांट में अच्छे फ्लावर लाता है। और पोटेशियम इसकी ग्रोथ के लिए। चाय पत्ती एसिडिक होती है और रोज़ प्लांट भी एसिडिक लवर होता है। इस फर्टिलाइज़र से इसकी सॉइल भी एसिडिक बन जाती है, जो प्लांट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। हम सब अपने घरों में बनी हुई चाय पत्ती को अक्सर कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, इसलिए उससे अब आप भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए और इन्वायरमेंट को भी सूट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।